नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। सीवर का पानी न निकलने के कारण धसी सड़क, जन स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। रानिया रोड स्थित गुरुद्वारा चीला साहिब के सामने 10 फीट नीचे गहरी धस गई सड़क, बड़ा हादसा टला। मौके पर अधिकारी पहुंचे, आक्रोशित लोगों ने अधिकारियों को सुनाई खरी खोटी। गुरुद्वारा चीला साहिब के सामने सड़क धसी। पल पल सिरसा से अमर सिंह जानी की विशेष रिपोर्ट। सिरसा के रानिया रोड स्थित गुरुद्वारा चीला साहिब के ठीक सामने जन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते सड़क करीबन 10 फुट नीचे धस गई। इससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया, लेकिन प्रशासन की बड़ी लापरवाही जरूर उजागर हुई। लोगों में प्रशासन के खिलाफ रोष व्याप्त है। उनका कहना है कि लंबे समय से यहाँ सीवरेज जाम पड़े हैं, पानी नहीं निकल पा रहा है। लोगों के घरों में भी सीलन इसी वजह से आई हुई है, लेकिन जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी कोई ठोस कार्रवाई पानी को निकालने के लिए नहीं कर पा रहे हैं, और यही वजह है कि आज सड़क 10 फुट नीचे धस गई। गनीमत रही कि इससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। वहीं जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी अभियंता होशियारी सिंह ने कहा कि पहले पानी भरा हुआ था जिसे निकलवाया गया, लेकिन पूरी खुदाई होनी थी। उनका कहना है कि बड़ा हादसा टल गया, पाइपों के बदलवा लें और कहीं से भी लीक है तो उसे ठीक करवाने का काम करवाया जाएगा। अब देखें पल पल की विशेष रिपोर्ट। ऐसा सर हमारी इतनी लापरवाही नहीं है, हम तो इस जॉब पे पहले से लगे हुए हैं 3 महीने से, बल्कि परसों रात को कैजुअलिटी होते होते बची है। हमने मास्क वगैरह लगा के सीवर मैन अंदर उतारे थे इसकी सफाई के लिए। मेन हॉल के अंदर बोल्डर्स भरे हुए हैं, बड़े बड़े पत्थर भरे हुए हैं, और ये जब से मैंने ज्वाइन किया है मैं प्रयासरत था कि ये किसी तरह लाइन खुल जाए, हमसे नहीं हो पाया तो हमने ये प्रोग्राम बनाया इसमें कट मार के और इसके अलग से मेन होल करके फिर निकालेंगे इसको गंद को। ये कल ही मैंने प्रोग्राम बनाया और उस कॉन्ट्रैक्टर से बात की थी, आज हमारी मशीनें शाम तक यहाँ पहुँच जाएंगी। बिना इसके भी हमने काम शुरू करना था, ये तो चलो कोई हादसा परमात्मा की दया से नहीं हुआ और ये हो गया ये, बल्कि हमने तो तोड़ने के लिए इसको के भी हैमर मंगवा रखा था और कोकलाइन मंगवा रखी थी, क्योंकि खुदाई ज़्यादा है इसमें, 22-23 फुट गहरी लाइन है ये। इसका तो ठोस ही करेंगे, मेन होल बनाने से काम चलेगा, वो है पाइप बदलनी पड़ेगी, वो सब कुछ करेंगे इसका, और बिल्कुल रिपेयर करके देंगे इसको विदिन 3 और 4 डेज। और सारे सड़क की सड़कें टूटी पड़ी है, सीवर का बहुत बुरा हाल है, पीने की पानी की बड़ी कमी है, जगह जगह गंदगी के ढेर हैं और आवारा पशुओं की भरमार है। ये सरकार कुछ नहीं करी, अधिकारी भी प्रशासन भी फैल है, सारा शहर का बेड़ागर कर दिया। और ये हादसा इतना बड़ा हादसा है, अभी भाई साहब ने सवाल किया 72 इंच की पाइप टूटना, ये देखिए कितना बड़ा खड्डा है और कितना गहरा खड्डा है। कोई मोटरसाइकिल या पैदल चलता हुआ आदमी या कोई गाड़ी गिर जाएगी, बचने का कोई नहीं है।